हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक हो मेरे भाई? उम्मीद करता हूँ यार सारे मेरे भाई बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर आ चुका हूँ। एक टॉपिक डिस्कस करना था, वो टॉपिक ले करके मैं आपके पास आ चुका हूँ। टॉपिक ये है दोस्तों कि आज एक मेरे भाई ने कमेंट किया था मेरे को, मोहित फिटनेस ऑफिशियल भाई, बॉडी बिल्डर है, कमेंट किया था गाड़ी ली है डिज़ायर, न्यू गाड़ी ली है। तो गाड़ी लेकर के अभी उनका क्या है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी सब रेडी हो रहे हैं। तो भाई ने कमेंट किया था कि उनका जो है ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि अभी नए हैं लाइन में, और ड्राइविंग लाइसेंस जो है अभी जो हार्ड कॉपी है, जो कार्ड है, वो आया नहीं है, लेकिन मतलब वर्चुअल आ गया, मतलब ऑनलाइन वाला आ चुका है, जो कि डिजी लॉकर पर चढ़ चुका है। तो भाई ने ये पूछा है कि डिजी लॉकर का जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है, जो ड्राइविंग लाइसेंस डिजी लॉकर पे चढ़ा दिया है, जो कि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पे, जो गवर्नमेंट ऐप है उस पे चढ़ा दिया गया, तो क्या वो वैलिड है? क्या उस पे चालान तो नहीं कट जाएगा, या कार्ड वाले की ही ज़रूरत है? तो क्या वो अभी गाड़ी चला सकते हैं कि क्या नहीं चला सकते हैं? तो इसी सिलसिले में थोड़ा सा भाई ने रिक्वेस्ट करी थी कि एक वीडियो बनाओ इस पे, तो थोड़ा सा जानकारी देने के लिए दोस्तों आ गया हूँ। तो अभी क्या है दोस्तों, जैसे कि डिजी लॉकर आपको पता है कि गवर्नमेंट ऐप है, ये गवर्नमेंट ने खुद बनाया है, ये कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं है, ये गवर्नमेंट का अपना खुद का ऐप है ये। तो इस पे जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं वो सत्यापित हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से ट्रस्टवर्दी डॉक्यूमेंट ही इसके ऊपर आएंगे, गवर्नमेंट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट ही इस पे आ सकते हैं। फर्जी अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो इस पे चढ़ ही नहीं सकता, तो एक चीज़ तो ये समझ लें। तो इस पे अगर डॉक्यूमेंट चढ़ गया तो भाई सबको मानना होता है। तो मेरे भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मोहित भाई, अगर आपका लाइसेंस इस पे चढ़ चुका है तो वो वैलिड है, उसको कोई नकार नहीं सकता, कोई मना नहीं कर सकता कि नहीं ये वैलिड नहीं है। उस पर चढ़ गया तो बेफिक्र होकर के आप गाड़ी चलाएं। अगर आपकी गाड़ी नई है तो आपको पता होगा कि भाई अभी परमिट वगैरह आपके आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, ऑल इंडिया परमिट वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके आ चुके हैं, परमिट वगैरह का जरूर ध्यान रख लेना, कहीं परमिट आप सोचोगे वो भी ऑनलाइन चढ़ जाए तो ऐसा नहीं होगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको हार्ड कॉपी भी रखने होंगे, परमिट वगैरह उस पर आप नहीं चढ़ा सकते डिजी लॉकर वगैरह पर। तो लाइसेंस की कोई दिक्कत नहीं है, लाइसेंस आप डिजी लॉकर पर अगर चढ़ चुका है चलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, मुझे लगता है। और बाकी दोस्तों एक चीज़ और होती है कि एक मन में ना डर होता है कि डिजी लॉकर पे अगर डॉक्यूमेंट चढ़ाते हैं तो कहीं पुलिस उसको मना तो नहीं कर देगी। ऐसे बहुत चीज़ें सुनने भी कभी आई हैं कि डिजी लॉकर पे जब डॉक्यूमेंट चढ़ाए गए हैं तो पुलिस ने कह दिया कि नहीं भाई, हम इसे नहीं मानते, हमें तो हार्ड कॉपी चाहिए, पेपर वाला डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों इस केस में जो है ना, आपको कोई बहस करने की कोई जरूरत नहीं, आपको बस उनको समझा देना है। वैसे ज़्यादातर मोस्टली अगर मैं कहूँगा कि अच्छा पढ़ा लिखा पुलिस वाला है ना, तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला वो इस चीज़ को नहीं बोलेगा। अगर आप उसको ऐसा दिखाओगे कि हाँ भाई मैं एक जागरूक इंसान हूँ और मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जो कि गवर्नमेंट ने कहा है कि ठीक है वर्चुअल डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में रखे जा सकते हैं, मैंने रखा हुआ है, आप चालान काट नहीं सकते मेरा सर, ऑफिशियली आप चालान लीगल तरीके से काट नहीं सकते। लेकिन कुछ होते हैं थोड़े से उस टाइप के जो कि ज़्यादा ही ओल्ड फैशन ट्रैफिक पुलिस किसी और शहर में मिल सकती है आपको ऐसी, तो वो कह देने में तो हार्ड कॉपी चाहिए, तो कह देना सर देखो कानून के खिलाफ है चालान काटना, फिर भी आपकी मर्जी है, आप अगर काटना चाहो लिख दो, लिख दो के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पेपर वाले नहीं शो करें हैं, डिजी लॉकर पे शो करें, आप लिख दो, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो काट भी देते हैं चालान तो गैर कानूनी चालान होगा और वो आपका वापिस हो जाएगा, आपको उसके अंदर कोई नुकसान नहीं होगा, कोर्ट में भी जा करके आपको कोई नुकसान नहीं होगा, चालान कोर्ट का काट दो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो नहीं मानता तो बल्कि उन पे ही ये एक्शन या बात खराब उनकी होगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, वर्चुअल डॉक्यूमेंट चलते हैं। अब दोस्तों ये देखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उस पे चल जाते हैं। आपको पता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी आरसी वगैरह गाड़ी की आप उस पे चढ़ा सकते हो, आप अपने पढ़ाई के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स उस पे चढ़ा सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा हार्ड कॉपी टाइप भी रखनी होंगी, ठीक है? नहीं हार्ड कॉपी जैसे परमिट वगैरह जो है गाड़ी का, वो आपको हार्ड कॉपी आप थोड़ा रखें तो ठीक है। इंश्योरेंस की आप फोटोकॉपी भी गाड़ी में रख सकते हो, इंश्योरेंस ओरिजिनल रख लो तो ठीक है, फोटोकॉपी भी आप गाड़ी में रख सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस की आपको कोई चिंता नहीं है, वो आप ऑनलाइन दिखा सकते हो, गाड़ी की आरसी आप ऑनलाइन दिखा सकते हो, तो जो डॉक्यूमेंट है उसकी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चालान काटते हैं काटने दो, बस उनको बता दो कि आप गलत कर रहे हो, बहस मत करना, नहीं तो लगा देंगे एक सेक्शन और के बदतमीजी कर रहा, अवॉइड करो उस चीज़ को, काटने दो, उनकी मर्जी है, वो आपका नुकसान नहीं होगा।
और एक केस और होता है दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि कई बार ऐसा हो जाता है डॉक्यूमेंट्स मान लो हमारे पास हैं, डिजी लॉकर पे नहीं है लेकिन घर पे हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमारे, हम भूल गए हैं डॉक्यूमेंट्स, डिजी लॉकर में तो मौके पर नहीं है और भूल गए हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो चालान आपका काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो डॉक्यूमेंट्स। तो वो डॉक्यूमेंट अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, काट रहे हैं तो काटने तो कोई बात नहीं, लेकिन कोर्ट में जा करके जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करोगे वहां पर, क्योंकि आपके पास थे, तो आपको 100 रुपये पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर लिख दिया है, वो 100 रुपये पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से दोस्तों आपको पेनल्टी देनी होगी, आपका चालान, क्योंकि आपके पास थे डॉक्यूमेंट्स, मौके पर आप दिखा नहीं पाए, घर पे थे, तो 100 रुपये पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको पेनल्टी दे करके वो छूट जाएगा। तो ये भी चीज़ है। बाकी ये कि जो भाई का डाउट था कि वर्चुअल डिजी लॉकर वाला डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, फुल वैलिड है डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट वेरीफाइड, तो इसमें कोई चिंता का विषय है नहीं। और एक चीज़ और है दोस्तों कि चालान, आप ये समझें कि कोई भी बंदा चालान नहीं काट सकता, वो एटलीस्ट एक SI या एक इंस्पेक्टर 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, इससे नीचे के जो है ना उनको पावर नहीं है आपका चालान काटने की, ठीक है। नहीं वो आपको डरा सकते हैं मान लो, लेकिन वो चालान नहीं काट सकते आपका, तो आपका एक हायर रैंक, मतलब सब इंस्पेक्टर या उससे हायर रैंक का कोई ऑफिसर है, वही आपका चालान जो है कर सकता है, ठीक है। नहीं तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स तो अपने पूरे ही रखें, ठीक है ना, और इन केस अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप हार्ड कॉपी भी रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो डिजी लॉकर मेंटेन करें, डिजी लॉकर में सेफ रहते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई है, मोहित भाई आपके लिए थी ये वीडियो, तो अगर ये पसंद आई है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।